राजधानी रांची में नाबालिग बच्चे ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन करने वाले हो जाओ होशियार, नहीं तो ट्रैफिक पुलिस की ओर से आप पर और आपके गार्जियन पर हो सकती है जुर्माना। क्योंकि इन दिनों देखा जा रहा है रांची राजधानी में विदाउट हेलमेट नाबालिग बच्चे गाड़ी चला रहे हैं। क्या कुछ ट्रैफिक एसपी ने कहा है सुनिए। राजधानी रांची में आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। सड़क दुर्घटना से बचने के लिए कई ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी दुर्घटना रुकने का नाम नहीं ले रही। पड़ताल करने पर इसकी सबसे बड़ी वजह कम उम्र के बच्चों का गाड़ी चलाना पाया गया, और तो और ऐसे बच्चे हेलमेट तक नहीं पहनते, जिसका नतीजा बेहद गंभीर होता है। ट्रैफिक एसपी हरीश बिंज शर्मा का कहना है कि जल्द ही एक अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसमें कम उम्र के बच्चों को चिन्हित किया जाएगा ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रह सके और दूसरों का भी। देखिए, इस पे हम लोगों ने अवेयरनेस के लिए काम किया है, बार बार ये कहा गया है, लेकिन बार बार कहने के बावजूद ऐसा देखा जा रहा है। तो आपके माध्यम से मैं लोगों को यही बताना चाहूँगा, खासतौर पर गार्जियंस और पेरेंट्स को, कि अगर आप अपने बच्चे को बाइक्स देते हैं या गाड़ियाँ देते हैं जो कि अंडर एज है, तो वो एक ऑफेंस है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, और उसमें जुर्माना काफ़ी अधिक होता है। तो ये अभियान के तौर पे हम लोग शुरू करेंगे। यदि अगर बच्चे कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं तो उन पे हेवी फाइंस किया जाएगा, क्योंकि बच्चे हमारे राज्य के, हमारे शहर के भविष्य हैं, उनकी जान के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीरियोडिकली हम लोगों की स्कूल के प्रिंसिपल्स के साथ भी मीटिंग होती रहती है। लास्ट मीटिंग हम लोगों ने स्कूल बसेस को लेकर किया था, तो ये एक अच्छी पहल है, अच्छी सोच है। हम लोग स्कूल को लेटर भी लिखेंगे कि अपने आसपास, अपने स्कूल के स्टैंड्स में, अगर कहीं पे अगर आप लोगों को ऐसा दिखता है कि कोई स्कूल का बच्चा, क्योंकि अगर 12वीं तक का बच्चा है तो वो मान के चले कि अंडर एज ही होगा, अगर वो बाइक्स को या गाड़ियों को लेके आता है, तो उसकी सूचना आप ट्रैफिक पुलिस को दीजिए, हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे। हादसे के शिकार ज्यादातर किशोर और कम उम्र के युवा होते हैं। स्कूल प्रबंधक की कोशिशों के बाद भी बच्चे बिना हेलमेट के स्कूल पहुंचते हैं। आलम यह है कि बच्चों के साथ साथ माता पिता भी बिना हेलमेट के उन्हें स्कूल से लेने और छोड़ने जाते हैं। हालांकि कई स्कूल प्रबंधक ने इस विषय को लेकर नोटिस जारी किया, बावजूद इसके कोई मानने को तैयार नहीं दिखता। स्कूल के तरफ से सभी बच्चे को और उनके पेरेंट को ये नोटिस दिया गया कि कोई भी बच्चे बाइक से ना आए, अपने साथ मोबाइल ना लाएं, कोई भी स्मार्टफोन ना लाएं, कोई भी स्मार्ट वॉचे जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन डिवाइसेस हो, किसी भी तरह का स्कूल में लाने में सख्त मना है। और इसके साथ साथ बच्चों में काउंसलिंग भी करवाई जा रही है। दो दिन पहले डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के ऑफिस से आए थे श्री जमाल खान जी, और उन्होंने बच्चों को काउंसलिंग किया, 11-12 के बच्चे को, उनको सारा बातें उन्होंने बताई, बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने बताया कि इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, और साथ साथ ये भी बताया अगर रोड पर कहीं कुछ इस तरह की बात होती है तो कैसे हम एम्बुलेंस को खबर करें, पुलिस को खबर करें, ताकि बच्चे को सेफ, उसको आसानी से जो कोई भी लोग हो उनको सुरक्षित जगह पर हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। ये अच्छी तरह से उन्होंने काउंसलिंग किया। बच्चों को अनाउंस किया हुआ है कि 3 दिन का समय दिए हैं, कल परसों हुआ था, इस वीक का समय दिए हैं, इस वीक के बाद हम इसकी चलाएंगे। कोशिश हम ये करेंगे कि कोई बच्चे बाइक लेकर के नहीं आए। दिक्कत होता है कि जब जब हम लोग ऐसा करते हैं कुछ दिन तो ठीक रहता है, कई के तो घरों में मोटरसाइकिल लगाते हैं पड़ोस के, अब उसको कैसे चेक किया जाए। इसलिए आप लोग भी जो मीडिया पर्सन हैं, और हम प्रशासन से भी आग्रह करते हैं कि वो भी थोड़ा इसमें बच्चों को करें, और वो कर भी रहे हैं। जो काउंसलिंग हुआ प्रशासन के तरफ से ही काउंसलिंग चल रहा है, हर स्कूलों में चल रहा है, हर टीचर्स को, प्रिंसिपल को इस पर बताया जा रहा है कि कैसे इसमें काम करें। जैसा कि आपने सुना कि ट्रैफिक एसपी हर्ष बिन जमा का क्या कहना है, कहना है कि अगर विदाउट हेलमेट नाबालिग बच्चे गाड़ी सड़क पर चलाते हुए देखे तो आम जनता ट्रैफिक पुलिस को सूचना दे और उनके परिजन लोगों पर हो सकता है कार्रवाई। सहयोगी विकास के साथ मुर्शीद, न्यूज 22 को प्रांची।
झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क हजाम रांची। कम्प्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE NEET की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, Olympiads, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कम्प्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंकवेट हॉल, डिप डी बाईपास रोड, रांची।